देखिए बिहार के मंत्री जो है, हमने भी सुना है, देखा भी है टीवी में, पागल हो गया है। उनके मुख्यमंत्री जी को, ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए जो देश की आस्था के प्रति भगवान राम चरित मानस के विषय में यह शब्द बोले। हमें लगता है ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि तो जनता ने उनको रामचरित मानस मानने वाले के लोगों ने भी उनको वोट दिया होगा। और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग सरकार में हैं और सहयोगी जो उनके हैं उनसे वो लगता है प्रभावित होकर के वोट लेने की राजनीति की बात पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बात अगर करें तो सरकार भी उनके सपोर्ट में उतर गई है, अब सरकार भी उनका समर्थन कर रही है। हम यही बात तो कह रहे हैं कि सरकार जो नीतीश कुमार जी की सरकार है वो वोट की राजनीति कर रही है, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनका सुरक्षित हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इस बार उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में, कहानी उनकी ख़त्म हो जाएगी।